गाइस कि आप भी अपने ब्रेस्ट को फुलर शेप देना चाहते हैं, उसके साइज को रिड्यूस करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि आपकी ब्रेस्ट जो सैग हो गई है वो अपलिफ्ट हो जाए, तो डेफिनेटली आज का मेरा वीडियो घर बैठे बैठे आप फॉलो करिए और इतना बेहतरीन रिजल्ट आपको विद इन अ मंथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। अपने आपको मिरर में जरूर देखना एक्सरसाइज से पहले एंड आफ्टर इफेक्ट भी जरूर देखना वन मंथ बाद की आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जैसे आपने टाइटल में ऑलरेडी जान लिया है कि हमें चाहिए दुपट्टा, दुपट्टे को कैसे इस्तेमाल करना है ध्यान से देखिएगा। शोल्डर जितना पहले गैप मेंटेन करना है आपने अपने हैंड्स के बीच में, इस तरीके से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपने दुपट्टे को पूरा स्ट्रेच देना है और खींचना है बाहर की तरफ, आपने खींचना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप दुपट्टे को होल्ड करके खींचेंगे उतना ही इसका जो इफेक्ट है वो आपकी मसल में आएगा, आपकी मसल एकदम से पंप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सांस आपको रोक के रखना है और इतना ज़्यादा जब आप सांस को रोकेंगे, खींच के रखेंगे अपनी मसल को, तो पूरा शिवरिंग आपको आपके फेस पे फील होगी, आपके हाथ एकदम से कंपन आने लगेगा, आपके फेस पे कंपन आने लगेगा, इनफैक्ट इतना ज़्यादा मसल एंगेज होगा कि आपका फेस भी रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इस पोजीशन को कम से कम 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। जब आप होल्ड करेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर इस वाली मसल में स्ट्रेच फील होगा, खिंचाव फील होगा, और ये वाला खिंचाव क्या करेगा, आपके सेंटर की जो लाइन है उसको बहुत अच्छा शेप देगा, क्रिएट करेगा, क्योंकि हम में से बहुत सारी लेडीज़ का यहाँ से ना एकदम मसल दबा होता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेस्ट जो होती है सैगिंग लगती है, सैग करी हुई लगती है, अच्छी फुलर शेप नहीं लगती है, ठीक है। तो ऐसे में आपकी ब्रेस्ट अपलिफ्ट हो जाएगी और उसका अच्छा एक शेप मिलेगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपने कितनी बार करना है, आपने 10 टाइम्स इस तरीके से बाहर की तरफ खींचा, पूरा आपको स्ट्रेच यहाँ पे पेन फील होगा, देन आपने ऐसा 10 बार करना है। कभी भी करो यार, खाना खा रखा हो तो भी कर सकते हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रीथ होल्ड, देन रिलैक्स अगेन, ब्रीथ होल्ड, रिलैक्स। जब आप इस तरीके से दुपट्टे को एकदम स्ट्रेच करेंगे ना, बाहर की तरफ खींचेंगे, तब आपके एग्जैक्ट लोड आपके ब्रेस्ट पे आपको फील होगा वहाँ की मसल्स में, और वही वाला जो पेन है ना वही आपको बहुत अच्छा शेप देने वाला है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सेम दुपट्टा चाहिए आपको, शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है, इस तरीके से हमने हैंड से होल्ड करना है और उसके बाद अपसाइड रखना है अपने हैंड्स को, देन फिर पूरा स्ट्रेच के साथ डाउन, ब्रीथ होल्ड, फिर हमने रिलीज कर देना है, सांस भरना है और सांस छोड़ना है। जब आप सांस भरेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा, पूरा खिंचाव फील होगा आपके ब्रेस्ट एरिया में, और यही वाला खिंचाव आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि जो आपकी ब्रेस्ट सैग कर रही है या उसको एक फुलर शेप नहीं मिल रहा वो अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपका ब्रेस्ट एकदम से अपलिफ्ट होकर यहाँ पर इस जगह पे काफ़ी अच्छा हैवी लुक आएगा और बहुत स्मार्ट लगेगा, ठीक है ना। तो जो आप लोग बोलते हैं ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो रहा कई लोगों का, या फिर बहुत ज़्यादा सैग कर रहा हैवी की वजह से, वो सब प्रॉब्लम इससे रिड्यूस हो जाएंगी। ट्राई करके देखें, 15 डेज में ही आपको अल्टीमेट रिजल्ट अपने अंदर चेंजेस नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट करना बिल्कुल एज इट इज है। 20 टाइम्स, 3 सेट, ब्रीथ होल्ड 5 से 10 सेकेंड्स, रिलीज। अब हम लेट कर बाकी की एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, वॉल से इस तरीके से पैर को सपोर्ट दे लेना है, देन अपने हैंड्स में दुपट्टा लेना है, शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है, दुपट्टा बिल्कुल खिंचाव के साथ आपने पकड़ना है, ढीला ढीला बिल्कुल कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी, बैक साइड पे लेके जाना है, प्रॉपर अपने हैंड्स को ओपन करना है, देन आगे पूरा सांस भरते हुए डाउन। इस टाइम पे आपका ब्रीथ अंदर होल्ड होगा, होल्ड करना है 10 सेकंड्स, पूरा आपको खिंचाव आपके ब्रेस्ट मसल पे फील होगा, और यही वाला आपके एक बूब्स को, मतलब यानी आपके ब्रेस्ट को एक फुलर शेप देगा, राउंड शेप देगा, और जितना भी सैगिनेस है वो अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और साथ में आपका ब्रेस्ट भी रिड्यूस होगा। तो चलिए 10 टाइम्स, 3 सेट्स, we'll be right back.
रिलैक्स, ठीक है? यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं या फिर आप वाटर बॉटल ले सकते हैं, और अच्छी बात है एक एक लीटर की, क्योंकि वेट के साथ जब हम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। सपोज आप फ्री हैंड भी कर रहे हैं या वेट है, इस तरीके से सबसे पहले आपका बॉडी मतलब आर्म्स का पोजीशन होगा, देन उसके बाद में आपने इस तरीके से बेंड करना है, साइड पे जाना है, एल्बोज आपकी यही रहेंगी, ऐसे नहीं जाएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी, ऐसे रहेंगी, देन अप देन साइड, ठीक है? इसे कहते हैं चेस्ट फ्लाई। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जो आपके ब्रेस्ट के मसल को पूरा पंप करती है। जब आपने स्ट्रेट जाना है ब्रीथ आउट, जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपने एकदम से अपने मसल को पंप करने के लिए ब्रीथ होल्ड करके रखना है। आप सुन रहे हैं मेरा ब्रीथिंग साउंड, बिल्कुल होल्ड कर रही हूँ। जितना होल्ड करेंगे उतना आपके मसल पे यहाँ पर रिजल्ट आएगा, ठीक है? आपका मसल जितना पंप होगा उतने ही आपको फुलर शेप मिलेगी, आपके ब्रेस्ट को अच्छा शेप मिलेगा, ठीक है? अगर एक्सेस है तो रिड्यूस भी हो जाएगा, और अगर बिल्कुल फ्लैटन है तो डेवलप भी होना स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। तो चलिए 20 times 3 set। तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा। ऐसी कुछ नया और बेहतरीन दिखना चाहते हैं ना, तो बस अपना प्यार देते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे याद करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई और बेहतरीन एक्सरसाइजेस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।